जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जम्मू में सबसे बड़ा डेस्टिनेशन जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है, और यहाँ पर जो नवरात्रों के समय में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और ये नवरात्र महोत्सव का आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिस्टर एजेंसीज है गवर्नमेंट की, उनके साथ मिलकर के आयोजन किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो रहता है, क्योंकि माता के दरबार में इस टाइम बहुत सारे डिवोटीज आते हैं जो कि दर्शन करने आते हैं, तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज को और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, उसी के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये पूर्ण नवरात्र महोत्सव 9 दिन के लिए आयोजन किया जाएगा, जिसका कि इनोग्रेशन कल 26 सितंबर को कटरा के योग आश्रम में शुरू किया जाएगा, और इसमें कटरा के अलावा जम्मू में भी एक्टिविटीज़ की जाएगी, और ये पूर्णतया 9 दिन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेगी। जो योग आश्रम में जो कल से इनोग्रेशन किया जाएगा, वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब उसका इनोग्रेशन करेंगे, जहाँ पे कि डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन करवाया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के और बाहर से जितने भी बडिंग सिंगर्स हैं जो माता की भेंट की प्रस्तुति देंगे, उसके अंतर्गत वहाँ उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद में इवनिंग में उनकी प्रस्तुति की जाएगी, और उस प्रस्तुति में जितने भी सिंगर्स आएंगे उसमें जजेज के द्वारा उनको सेलेक्ट करके उनके अवार्ड की रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, एक तो वहाँ पर माता के जितने भक्त आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए वहाँ पर भेंट की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा जितने भी जम्मू कश्मीर के जो भी बडिंग सिंगर्स हैं उनको भी एक आगे लाया जाए और उसके प्लेटफार्म को रखा जाए। इसके अलावा एक्टिविटी के अंतर्गत इस साल जो हर समय जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अलावा एक्टिविटीज़ को भी रखा गया है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण जो नवरात्र महोत्सव का उस तरीके से जिस तरीके से जोश के साथ आयोजन किया जाता वो नहीं हुआ, तो ये नवरात्र महोत्सव 2 साल के बाद में पूर्णतः आयोजित किया जा रहा है। इस समय की दो एक्टिविटीज जो है, एक रामलीला और लेजर शो माता के ऊपर, वो नए लाए गए हैं। रामलीला जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा में आयोजन किया जाएगा, इवनिंग के समय शुरू की जाएगी, 26 से लेकर के लास्ट नवरात्र तक 4 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कल्चरल प्रोग्राम डिफरेंट, जिसमें कल्चरल एकेडमी की तरफ से और भी कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा में है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, प्रभात फेरी का आयोजन हर साल किया जाता है जो कि कटरा टाउन के अंदर विभिन्न स्थानों से जाती हुई निकलेगी, जिसमें जितने भी डिवोटीज आए हुए हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके अलावा वहाँ के जितने भी लोकल गणमान्य नागरिक जन हैं उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, और इस प्रभात फेरी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संस्कृति का भी वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। शोभा यात्रा का जो आयोजन किया जाएगा वो 27 से लेकर के 4 तक किया जाएगा, जो कि एशिया चौक से लेकर के मेन बाजार कटरा तक होगा। माता की कहानी का भी यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि यहाँ का जम्मू कश्मीर का नटरंग जो एक नाट्य कलाकार है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के ही कलाकार होते हैं, वो माता की कहानी का डिस्प्ले जो है कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर किया जाएगा, जहाँ पर कि शाम के समय 9 दिन के लिए रहेगा। उसके अलावा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा, लेजर शो जो माता की कहानी का है उसको जो रेलवे रोड चौक पे किया जाएगा, और कल जहाँ पर कि योग आश्रम में भी वहाँ पे किया जाएगा, लेजर शो के अंतर्गत माता की कहानी को ही डिस्प्ले किया जाएगा। भागवत कथा का आयोजन जो हर साल की तरफ रघुनाथ जी मंदिर है वहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा कुछ कंपटीशन जो रेसलिंग कंपटीशन किया जाएगा, जिसमें कि रेसलिंग का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें किया जाएगा। कवि सम्मेलन और हास्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू में डांडिया
का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो कि श्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है उसमें आयोजन किया जाएगा। जम्मू के जितने भी अलग जिले हैं जिस दिन, उनमें भी कुछ कुछ आयोजन का किया जा रहा है। जो माता की भेंट का आयोजन 27 तारीख को किश्तवाड़ में किया जा रहा है, उसके अलावा जो है रघुनाथ मंदिर चौक जम्मू में भी 27 को माता की भेंट का आयोजन किया जा रहा है, और कठुआ में जो फोर्ट है हीरानगर का उसके अंतर्गत आयोजन 29 को किया जाएगा, और जगती कैंप नगरोटा वहां पर भी एक माता की भेंट का आयोजन किया जाएगा। गरबा का जैसे मैंने बताया 2 तारीख को पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंतर्गत आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ के जो कटरा के जम्मू के मार्केट एसोसिएशन है उनसे भी निवेदन किया गया है, और सभी ने कटरा को पूर्णतया अच्छे ढंग से सजावट की गई जिससे कि वहाँ पर फेस्टिविटी लुक आए। वहाँ के लोकल्स ने, होटल एसोसिएशन ने, वहाँ के मार्केट एसोसिएशन ने पूर्णतया से आह्वान किया है और पूर्णतया से इसको पूर्ण फेस्टिविटी के साथ में मनाया जाएगा। जम्मू के अंतर्गत भी यही रखा गया कि यहाँ भी पूर्णतया फेस्टिविटी का लुक रहेगा। तो इस तरीके के आयोजन सभी तरीके से किए जा रहे हैं, और नवरात्रा फेस्टिवल के पश्चात भी और पहले भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरह से यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू के, उनके स्पेशल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा पिछले वीक में सुरिंसर फेस्टिवल, मानसर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी और कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर लोगों के जो भी टूरिस्ट आता है उसके लिए वहाँ यहाँ के लोक कलाकारों की तरफ से और वहाँ के जितने भी डेस्टिनेशन है उसको प्रोजेक्शन किया गया है, और इस तरीके के आयोजन आगे भी किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को जम्मू प्रोविंस में इन्वाइट किया जाए। इसके अंतर्गत भद्रवाह, किश्तवाड़ वहाँ पर पूर्णतः आयोजन की व्यवस्था की गई है आगे के महीनों में, जिससे कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का आना हो जाए। तो आपकी तरफ से ये निवेदन रहेगा कि आप सभी वहाँ पर जितने भी जम्मू प्रांत के लोग, बाहर के लोग इस नवरात्रा महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा आकर के भाग लें। जितने भी यहाँ पे आयोजन किए गए हैं तो माता के दरबार में दर्शन करें, उसके अलावा इनका भी आनंद लिया जाए, लाभ लें। थैंक यू। नवरात्रा फेस्टिवल में लोगों को, श्रद्धालुओं को कंसेशन दिया जाता था होटलियर्स की तरफ से, क्या इस साल की तरफ इस बार भी जो कटरा के होटल एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने कंसेशन अनाउंस किया है, लगभग 30% के लगभग जो कंसेक्शन इस बार भी दे रहे हैं जो भी बाहर से डिवोटीज आएंगे उनके लिए। किसका RFID कार्ड की जहाँ तक बात है, RFID कार्ड जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो स्टार्ट किया गया है, एक तो जहाँ पर कार्ड लेने के बाद में आपकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, उसके बाद में ये भी है कि प्रॉपर तरीके से उसको देखा जाता है कि कितने यात्री ऊपर गए हैं उनको भी ट्रैक किया जाता है। कोरोना का भी प्रकोप कम कम नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से कवर किए गए जी? कोरोना जो है अभी भी कुछ केस अभी भी आ रहे हैं, इसको लेकर देखें। उसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है वो सभी के लिए है, आप अपने मास्क का यूज करें, डिस्टेंस बनाए रखें, और वहां पर जिस तरीके से जितने भी आप एहतियात ले सकते हैं वो वहां पर अभी तक लागू रहे। देखिए, इसका जवाब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही प्रॉपर तरीके से दे पाएगा, पर जहां तक मुझे पता है यदि किसी तरह के दिव्यांग वहां आते हैं तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है निहारिका के अंदर, वहां पर जाकर के अपना नाम और रजिस्ट्रेशन करवाए तो उनको वहां से उनकी सुविधा को प्रदान किया जाएगा। वहां पर प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट किया गया है, जो RFID की बात कर रहे हैं वो इसीलिए रखा गया है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो होल्डिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई किया गया है, और जितने भी लॉकर्स है पहले एक जगह पे तो उनको बाइफर्केट किया गया है, और यात्रा को पूरे नंबर से रेगुलेटेशन के साथ छोड़ा जाएगा। रिलीजियस पॉइंट्स हैं जैसे माता वैष्णो देवी हैं, बारे वाली माता जम्मू में हैं,
वैष्णो देवी में एक पॉइंट के बाद जो मोबाइल फोन का ले जाना अंदर सख्त मना है, ब्लॉक रूम में आपको अपने मोबाइल जमा करवाने होते हैं। इसी तरह का प्रोविजन जो है वो बाले वाली माता में भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोगों को अलाउ किया जाता है वो अपना मोबाइल फोन अंदर ले जाते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप सुबह देखिए तो बहुत से लोग लाइव जो है वो माता के दर्शन पूरे शहर भर को करा रहे होते हैं। तो क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या इस तरह का प्रोविजन डिपार्टमेंट ने सोचा है कि ऐसे कोई सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाए ताकि देश भर से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी यादगार जो है अपने साथ ले जा सके उन पॉइंट्स में अपनी फोटोग्राफ लेकर, ताकि एक पॉइंट के बाद मोबाइल्स का यूज कहीं भी, चाहे वो वैष्णो देवी हो चाहे बावे वाली माता हो, वो उसका यूज ना कर पाए। देखिए, जहाँ तक वैष्णो देवी का सवाल है, वैष्णो देवी माता के यहाँ जिस तरीके से फूलों की सजावट की जाती है, तो जहाँ तक आप भवन में जहाँ बैटरी कार पॉइंट से आगे प्रवेश करते हैं, तो मुझे लगता है हर जगह पर आप फोटो ले सकते हैं। हर बार लोग वहाँ से फोटो लेकर के सेल्फी पॉइंट की बात करते हैं। बाकी वहाँ जहाँ से आप यात्रा क्यू में लग जाते हैं, उसके बाद में किसी तरीके से मोबाइल का अलाउ नहीं है। आप बात करेंगे बावे वाली की, आपका अच्छा सजेशन है, तो हम इसमें वहाँ पे लोकेशन आइडेंटिफाई करवा के करवा सकते हैं। जबकि यदि बावे वाली माता में जाएंगे, तो यदि लॉन में आप फोटो लेना चाहेंगे, तो पूरे पीछे बहू फोर्ट और पूरा व्यू जो जम्मू शहर का आता है वो एक सेल्फी पॉइंट बन सकता है। जहाँ तक मोबाइल को अंदर लाके जाने का सवाल है, आपका सजेशन अच्छा है, हम वो कमेटी से बात करके उसको किस तरीके से एनफोर्समेंट करवाया जाए उसको। वो मैं जवाब पहले दे चुका हूँ, जवाब अभी दे चुका हूँ आपको, ठीक है ना? थैंक यू।